नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जो UPSC की तैयारी करने वाले हैं उन्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि UPSC का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं, सिलेबस क्या है, कितने सारे मेंस में पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन होता है, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग है, कौन से पेपर का जो मार्क्स है वह मेरिट लिस्ट में ऐड होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो आज हम इस लेक्चर में बिगनर्स के लिए या फिर जो UPSC की तैयारी शुरू कर चुके हैं और उन्हें नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं दिशा पब्लिकेशन और मृणाल सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जो उनकी बुक है इसी बुक में से मैंने कंटेंट को जो है कवर किया है। तो सबसे पहले UPSC जो है वह बहुत सारी एग्जामिनेशंस कराता है, CDS का भी एग्जामिनेशन कराता है, EPFO का भी एग्जामिनेशंस कराता है, बहुत सारी एग्जामिनेशंस कराता है। UPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप सब जानते होंगे। उसी तरह UPSC एक एग्जामिनेशन और कराता है जिसे कहते हैं सिविल सर्विस एग्जाम, CSE, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में लगभग 900 से 1000 के आसपास हर एक साल वैकेंसीज आती है। और इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में आपको बता दूं, लगभग 10 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वह फॉर्म अप्लाई करते हैं। 10 लाख बच्चों में से आधे बच्चे तो एग्जामिनेशंस देने ही नहीं जाते, जो प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं, एग्जाम देने जाते हैं 5.5 लाख के आसपास। अब इन 5.5 लाख लोगों में से प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने वालों का नंबर होता है 12,000 से 15,000 के आसपास। ये 12,000 से 15,000 के बीच में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, वह मेंस का पेपर लिखते हैं। अब हम जानेंगे कि मेंस में कितने पेपर्स होते हैं आगे इस लेक्चर में। अब मेंस में जो है टोटल कितने स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं, तो लगभग 2500 से लेकर 3000 जो स्टूडेंट है वह क्वालिफाई होते हैं मेंस में। और इन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल जाता है, और इन्हीं 3000 और 2500 के बीच में जो इंटरव्यूई, जो आपके इंटरव्यू में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हीं में से 900 या 1000 के बीच में जो वैकेंसीज होती हैं उनको फिल किया जाता है। और ये जो 1000 वैकेंसीज होती हैं, ये ऐसा नहीं कि 1000 वैकेंसी IAS IPS सिर्फ मिलाकर होता है, बहुत सारे अलग अलग इसमें पोस्ट्स होते हैं और बहुत अलग अलग सर्विसेज होती है। यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, आप खुद से भी उसको पढ़ सकते हैं। पहले तो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, फिर ग्रुप ए की सर्विसेज होती हैं, फिर ग्रुप बी की सर्विसेज होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS आता है, फिर उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज में IPS आता है, इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस में जाने के लिए अगर आपके मार्क्स अगर अच्छे आते हैं, इंटरव्यू ये सब सबको मिलाकर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ मेडिकल क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा अगर आप IPS बनना चाहते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि जो अगर आप अगर चश्मा लगाते हैं, अगर आप ग्लासेस पहनते हैं, तो आपका ग्लास का जो पावर है वह 6 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अगर आपकी लैसिक सर्जरी हो रखी है, जिसको हम लोग लेजर सर्जरी कहते हैं, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के जो मरीज होते हैं वह इसका इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, लेजर ऑपरेशन, तो अगर आपने आंखों का कराया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिट हैं, आप IPS बन सकते हैं। फिर आपका जो चेस्ट है, अगर आप मेल हैं तो आपका चेस्ट जो है वह 84 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, इसको इंचेस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लगभग आपके 33 इंचेस होने चाहिए, और फीमेल के लिए 31 इंचेस होने चाहिए। फिर उसके बाद जो हाइट है वह मेल्स के लिए लगभग 5 feet 4 inch के आसपास होना चाहिए, और फीमेल्स के लिए एग्जैक्टली 5 foot के आसपास जो है वह हाइट होना चाहिए। उसके बाद जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी आता है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो मेंस का पेपर है वह सेपरेट होता है। देखिए, मेंस के लिए आपको अलग फॉर्म भरना पड़ता है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाइएगा तो मेंस के लिए आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। जो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए अलग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो इनके लिए अलग फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, IFS जो बनना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ए सर्विसेज में,
आपका इंडियन फॉरेन सर्विस आता है तो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आता, ग्रुप ए सर्विसेज में आता है। और इंडियन फॉरेन सर्विस में जाने के लिए कोई स्पेशल ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, कोई फॉरेन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। फिर उसके बाद बहुत सारे टैक्सेशन से रिलेटेड सर्विसेज होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, फिर कॉरपोरेट से रिलेटेड सर्विसेज होते हैं, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस होता है, इंडियन ट्रेड सर्विस होता है, और तमाम तरह की सर्विसेज होती हैं। ग्रुप बी की सर्विसेज से आप जो है सिविल सर्विस में जा सकते हैं, जो आपका सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड जो आपका यूनियन टेरिटरीज है वहां, जैसे दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो आपको पता होगा होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। फिर दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली पहले दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, लेकिन इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। 26 जनवरी 2020 से ये दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। तो आप एक बार पढ़ सकते हैं इनको। तो तीन स्टेजेस में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है सीएससी को, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आप जानते हैं कि प्रीलिम्स में आपको अपीयर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो जो मिनिमम एज है, आप जिस साल फॉर्म भर रहे हो उस साल 1 अगस्त के हिसाब से आपका मिनिमम एज 21 इयर्स होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वह आपके कास्ट का जो आपका कैटेगरी होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर क्रीमी लेयर जो ओबीसी के होते हैं अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो जो मैक्सिमम एज है वो है 32 इयर्स, मतलब आप 32 इयर्स तक जो है आप अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, और टोटल मिलाकर आप 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसीज हैं उनके लिए जो आपका कैपिंग किया गया है एज का वह है 35 इयर्स जो अपर एज लिमिट है, और इनके अटेम्प्ट्स हैं 9। एससी और एसटीज के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन इनके लिए भी एज की कैपिंग की गई है 37 इयर्स। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि वह कितना अटेम्प्ट देंगे, लेकिन इनके लिए मतलब ये मिनिमम 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन इनके लिए भी कैपिंग की गई है। इनका जो अपर एज लिमिट है वह 42 इयर्स तक है, आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ एज में और फी में कोई रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया गया है ईडब्ल्यूएस को, मतलब इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हैं, मतलब आप वहीं के स्थानीय निवासी हैं, या फिर आप एक सर्विसमैन हैं, तो आपको फिर 5 साल का एडिशनल रिलैक्सेशन एज में मिलता है, लेकिन अटेम्प्ट में नहीं मिलता। अटेम्प्ट आपका सेम होगा, मतलब अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर से जनरल बिलोंग करता है तो वह मतलब 5 साल इसका रिलैक्सेशन हो जाएगा, ये 37 इयर्स एज तक जो है वह एग्जामिनेशन में बैठ सकता है, लेकिन टोटल मिलाकर ये 6 अटेम्प्ट्स ही दे सकता है। दिस इज द केस फॉर द एक्स सर्विसमैन जो पहले भारत सरकार में एक तरह से नौकरी कर चुके हैं, उनके लिए भी जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 5 साल का जो है एडिशनल छूट मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है सभी कैटेगरीज में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो जो आपका क्वालिफिकेशन है आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं, कोई सीजीपीए नहीं, कोई मिनिमम ग्रेड नहीं, बस आपके हाथ में ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए यूपीएससी को। इवन जिन बच्चों का बैकलॉग भी लगा है या फिर बैक पेपर लगा है जिसको हम लोग एटीकेटी कहते हैं, वे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करती यूपीएससी। इवन जो कॉलेज के टॉपर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यूपीएससी इन सब चीजों से केयर नहीं करती। लेकिन मृणाल सर जो है अपनी तरफ से एक एडवाइस दे रहे हैं सभी एस्पिरेंट्स को, यूपीएससी जो है ये टफ नट है, इसको जल्दी क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपके साथ जो डाटा शेयर किया, जो साझा किया, उससे आपको पता चल गया होगा। तो इसीलिए आप अपने कॉलेज के स्टडीज को इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप भविष्य में आरबीआई के एग्जामिनेशन देना चाहेंगे या फिर कैट के एग्जामिनेशन देना चाहेंगे या फिर और भी बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जहां मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो इस स्थिति में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए यूपीएससी के प्रिपरेशन
के लिए आप पूरी तरह से अपने कॉलेज के स्टडीज को इग्नोर ना करें। फिर जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो सिक्स सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं, वह भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं वह भी अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, जो लास्ट सेमेस्टर में है, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया फिक्स है कि आप जब मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भरें, अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स में पास हो गए, आप मेंस का जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो उस समय आपके हाथ में फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। मतलब सेमेस्टर का मार्कशीट उससे पहले आपके हाथ में होना चाहिए, मेनली मार्कशीट। सर्टिफिकेट तो बाद में भी आते रहता है, मार्कशीट होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ अमेरिकन और फॉरेन डिग्रीज को भी जो है मान्यता दी गई है, लेकिन हम इस पर डिस्कशन नहीं करते। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन को डिस्टेंस लर्निंग से अगर पूरा किया है, तो फिर भी आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आप जिस इंस्टीट्यूशन से डिस्टेंस एडुकेशन की मतलब किए हो वो रिकॉग्नाइज्ड हो यूजीसी से या फिर AICTE से या फिर एनी लॉ के द्वारा उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जो MBBS किए हुए हैं उनका जो है इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए यूपीएससी इंटरव्यू स्टेज होने से पहले। मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले तक आपका जो है इंटर्नशिप पूरा होना चाहिए। ये सिर्फ MBBS के लिए है जो मेडिकल स्टूडेंट्स है। उसके बाद हम प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करेंगे और पेपर्स की बात करेंगे। तो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक को हम लोग GS पेपर के नाम से जानते हैं और एक को हम लोग CSAT कहते हैं, या पेपर टू, या इसी को एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो GS पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे समय दिए जाते हैं। फिर CSAT में 80 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 मार्क्स के हर एक क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का ये भी पेपर होता है। लेकिन जब CSAT को लाया गया था सबसे पहली बार 2011 में, तो CSAT 2014 तक अगर आप देखिएगा तो CSAT और प्रीलिम्स दोनों के मार्क्स को ऐड करके फाइनल कट ऑफ निकाला जाता था। इससे इंजीनियर्स को काफी फायदा होता था जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड हुआ करता था, क्योंकि उनका एप्टीट्यूड मैथ्स रीजनिंग ये सब बहुत अच्छा होता है, जो IITians होते हैं, जो BTech जो स्टूडेंट्स होते हैं। इसीलिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद 2015 से ये जो CSAT पेपर है इसको ऑप्शनल कर दिया गया। ऑप्शनल का मतलब है क्वालिफाइंग, मतलब आपको बस इस पेपर में पास हो जाना है 33% मार्क्स लाकर, मतलब 66 मार्क्स तो मिनिमम स्कोर करने ही करने हैं आपको। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर अगर आप मान लीजिए हाईएस्ट भी GS पेपर में ला देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो इस पेपर में आपको कम से कम 33% मार्क्स लाने हैं और बाकी इसका मेंस स्टेज में क्वालिफिकेशन के लिए, शॉर्टलिस्टिंग के लिए कोई रोल नहीं है। मेनली GS पेपर से ही कट ऑफ लिए जाते हैं। और ये रहा GS पेपर का सिलेबस, आप GS पेपर का सिलेबस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिर करंट अफेयर्स, ये मेनली आपके ब्रॉडर एरियाज होते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो CSAT होता है इसमें रीजनिंग, मैथ्स, ये सब होता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसन होता है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब होता है। तो ये दो पेपर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो GS पेपर है उसमें किस टॉपिक से या किस आपके सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या कितने क्वेश्चन आते हैं इसका एनालिसिस दिया गया है। तो आप अगर 2013 से लेकर 2020 तक तो आप देखेंगे इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन आए हैं, एनवायरमेंट में कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के आप क्वेश्चन देखेंगे तो 2019 में 14 क्वेश्चन 100 में से पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे और 15 क्वेश्चन जो है वह 2020 में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। मैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि हम एक जीत बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और 2022 और 2023 में यूपीएससी देना चाहते हैं, उनके लिए इंडियन पॉलिटी का मैं कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा हूँ। ये प्री और मेंस जो है ये इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा। तो इसीलिए अगर आप भी अगर इस कोर्स को
अगर परस्यू करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरह से टोटल 100 MCQs पूछे जाते हैं। अब कट ऑफ कितना जाता है, तो 2019 का कट ऑफ देखिए, जनरल का कट ऑफ मात्र 98 था, मतलब 200 मार्क्स में से 98 मार्क्स अगर जनरल ने लाया, जनरल कास्ट से जो बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी से, तो वो क्वालिफाइड है मेंस स्टेज के लिए। तो समझिए कि मतलब 50% से भी कम मार्क्स जो है वह कट ऑफ के लिए जाता है। इसीलिए मेनली स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं 110 मार्क्स, जो 110 मार्क्स 15 मार्क्स ले आते हैं वह सेफ जोन में हो जाते हैं, उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। इसी तरह से EWS के लिए जो कट ऑफ होता है लगभग 90 के आसपास जाता है, ये वेरी भी करता रहता है, लेकिन ये एक एवरेज कट ऑफ है। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट कट ऑफ जो दे रखा है। ओबीसी के लिए लगभग 96 कट ऑफ था, एससी के लिए 82 और एसटी के लिए 77, और उसके बाद जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड है वेरियस कैटेगरी से उस पर डिपेंड करता है, कट ऑफ था आपका 40 से लेकर 53 मार्क्स के आसपास में। तो अगर आप 100 मार्क्स अगर ले आते हैं अगर प्रीलिम्स के पेपर में 100 से 110 मार्क्स, तो आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आपका जो क्वालिफिकेशन है मेंस के लिए वह पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। जनरल जो कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वह 100-105 अगर मार्क्स ले आते हैं तो बहुत ज्यादा होता है। देखिए यहाँ 2016 में जो है वह कटअप काफी ज्यादा हो गया था, और यहाँ 200 से ज्यादा कटअप इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2011 से लेकर 2014 के बीच में जो आपका GS पेपर था और जो आपका CSAT था, दोनों को ऐड करके कटअप निकाला जाता था। इसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा क्वालिफाई होते थे। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो CSAT में 200 मार्क्स में से 190 मार्क्स स्कोर कर लिया करते थे, 180 स्कोर कर लिया करते थे, और बाकी इधर GS पेपर से अगर 50 मार्क्स भी ला दिया तो क्वालिफाई हो गया। और बाकी जो बेचारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, उनको काफी घाटा होता था। इसीलिए आप 2011 से 14 के बीच में देखिएगा तो इंजीनियर्स का ही सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, मोस्ट ऑफ देम वर इंजीनियर्स। तो इसीलिए इस चीज को हटा दिया गया, अब जो CSAT पेपर है उसको मात्र क्वालिफाइंग कर दिया गया है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आप एक बार जब प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस के स्टेज पे आपको फॉर्म भरना होता है। अब हम मेंस में सिलेबस देख लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपको दो पेपर देना होता है जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसका जो मार्क्स है वह आपके मेरिट लिस्ट, जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा उसमें काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो सबसे पहला तो एक पेपर ए होता है, इंग्लिश पेपर होता है, ये सबके लिए कंपलसरी होता है, सबको देना होता है। आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको देना है। लेकिन हाँ, इसमें रियायत यही दी गई है कि मात्र आपको 25% मार्क्स लाना है पास होने के लिए, मतलब 300 का 25% ही आपको लाना है पास होने के लिए, तो कोई भी आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा पेपर है कि आपको कोई एक इंडियन लैंग्वेज लेना है, इंडियन लैंग्वेज में आप इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारे 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे हिंदी ले सकते हैं, उड़िया ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं, कन्नड़ ले सकते हैं, जो भी आपका एक इंडियन लैंग्वेज है। और इसमें भी आपको कुछ नहीं, बस क्वालिफाई ही करना है, 25% मार्क्स लाना है 300 में से, और इसका कहीं मार्क्स वार्क्स ऐड नहीं होता। और इसमें लगभग स्टूडेंट जो है जो मेंस में जाते हैं क्वालिफाई कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता किसी को। उसके बाद यहां से मेरिट लिस्ट में आपके मार्क्स जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका एक तो सबसे पहले 250 नंबर का ऐसे पेपर होता है, आपको 8 एसेस दिए जाते हैं, 8 एसे में से आपको कोई 2 एसे लिखना रहता है दो टॉपिक पर, और आपको 1200 से 1500 वर्ड में एसे लिखने होते हैं। तो सबसे पहले तो एसे पेपर हो गया, ये 250 मार्क्स का हो गया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 GS पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, तो 250 नंबर के 4 GS पेपर होते हैं मेंस में, ये सबके लिए कॉमन होता है, एसे और GS तो सबके लिए ही कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन वही जो जिस लैंग्वेज में दे रहा है उसको उसी लैंग्वेज में ऐसे लिखना होता है। तो 1000 नंबर का तो 4 आपका देखिएगा तो GS पेपर हो गया,
1000 मार्क्स का, 250 नंबर का चार पेपर। तो जो आपका जीएस पेपर वन है इसमें मेनली आपको हिस्ट्री, सोशल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ना होता है। आप इसका जो पूरा सिलेबस है वह डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी के साइट से। लेक्चर काफी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने पूरे सिलेबस को इंक्लूड नहीं किया। इस पेपर का नाम है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। यही तीन मेनली आपके एरियाज होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो जनरल स्टडीज का पेपर टू होता है इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से पेपर पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी पेपर 250 नंबर का होता है। फिर उसके बाद जो जीएस थ्री होता है इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी पेपर 250 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद आपका फोर्थ पेपर होता है जिसको हम लोग एथिक्स पेपर भी कहते हैं। तो इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड और केस स्टडी इंक्लूड होते हैं और ये भी पेपर 250 मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर कितने आपके मार्क्स के पेपर हो गए? पहला वाला तो दो जो 300-300 नंबर का था, क्वालिफाइंग था, उसका तो मेरिट लिस्ट से कोई संबंध नहीं है। तो एक ऐसे पेपर हो गया 250 मार्क्स का और आपके जीएस पेपर हो गए 1-4, ये टोटल हो गए 1000 मार्क्स के। तो टोटल हो गया आपका 1250 नंबर। अब आपको एक ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनिएगा उसका दो पेपर होता है, पेपर वन और पेपर टू। दोनों पेपर 250-250 नंबर के होते हैं, मतलब कुल मिला के जो ऑप्शनल का वेटेज होता है ये जो होता है 500 नंबर का होता है, 500 नंबर का वेटेज होता है। तो टोटल आप देखिएगा तो मेंस जो होता है वह 1750 नंबर का होता है। अब ऑप्शनल पेपर ही डिसाइड करता है कि आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, क्योंकि जीएस और एसए तो सब दे रहे हैं। अब ऑप्शनल पेपर आपका कमांड कितना आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पर, आपका ऑप्शनल कैसा है, हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है या उसमें कम मार्क्स आते हैं, इस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों ने तो बड़ा ऑर्थोडॉक्स ऑप्शनल लेकर क्रैक कर लिया इस एग्जामिनेशन को, जैसे कनिष्क जो थे आपके सर थे जिन्होंने मेरे ख्याल से 2018 में क्रैक किया था इस एग्जामिनेशन को, AIR उनका वन था, उनका मैथ्स ऑप्शनल था। तो मैथ्स ऑप्शनल के साथ तो बहुत कम ही लोग हैं जो क्रैक कर पाते हैं, पर वो IIT बॉम्बे से थे मेरे ख्याल से, काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो उन्होंने मैथ्स ऑप्शनल के साथ ही क्रैक कर लिया 2018 में। तो इतने सारे आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे हैं। अब इतने में से आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। दो पेपर होंगे और दो पेपर 250-250 नंबर के होंगे, 500 नंबर के। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पूरा पेपर का नाम होता है। अगर आप अपने ऑप्शनल को पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस रखना चाहते हैं तो आने वाले एक साल के अंदर मैं इस पे भी आपको लेक्चर्स दूंगा। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के ऑप्शनल को हम कवर करेंगे बहुत ही डिटेल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इतना सारा ऑप्शनल है, टोटल 1750 नंबर के आपके एग्जामिनेशंस हुए। अब इसमें कितना नंबर लाना पड़ता है आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए? तो 2019 में तो काफी कम गया, 1750 में से जिनके 751 नंबर आए जनरल कैटेगरी वालों के, उनका इंटरव्यू कॉल आया। इसी तरह से EWS वालों का 696, इसी तरह से जो आपके OBC हैं इनका 718, SCs का 706। ये मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलती लग रही है मुझे, जो दिया हुआ था मृणाल सर के बुक में मैंने उसी चीज को लिखा है। तो ये आपका लगभग कट ऑफ होता है, जैसे 2018 का आप देख सकते हैं जनरल का कट ऑफ, ओबीसी का कट ऑफ, फिर एससी का कट ऑफ, एसटी का कट ऑफ देख सकते हैं, जिनका 2018 में 1750 में से 774 नंबर है उनको इंटरव्यू कॉल आया। फिर उस समय तो EWS का था ही नहीं, फिर उस समय ओबीसी को 732, फिर उसके बाद एससी को 719 और एसटी के लिए भी 719 कट ऑफ रखा गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप देख सकते हैं कि आधा से भी कम मार्क्स लाते हैं स्टूडेंट्स मेंस में। कितना टफ पेपर होता होगा उसके बारे में सोच सकते हैं और कितना लेंदी पेपर होता होगा। तो जो इन सभी पेपर्स में क्वालिफाई हो जाता है, अच्छे मार्क्स लाता है, कट ऑफ मैच कर लेता है, वे इंटरव्यू स्टेज में जाते हैं।
और जो आपका इंटरव्यू होता है ये देखिए टोटल, जैसा कि मैंने आपको बताया, एसए का पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, यहाँ रिटेन टेस्ट इतना तक हो गया। फिर एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू जो है आपका पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं उसको, इंटरव्यू, ये 275 नंबर का होता है। जो मेंस में क्वालिफाई करते हैं और कट ऑफ मैच करते हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से, उनको इंटरव्यू कॉल आता है। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या, जैसे मैंने पहले ही बताया, 2500 से लेकर 3000 के बीच में होती है, और ये स्टूडेंट्स जो है लास्ट में, ये एस्पिरेंट्स जो है वह इंटरव्यू देते हैं, और 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और ग्रैंड टोटल आपका 2025 नंबर का ये एग्जामिनेशन पूरा होता है। 2025 नंबर में से आप कितने नंबर लाते हैं उस पे डिपेंड होता है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में हैं या नहीं। और फाइनल मेरिट लिस्ट में जो लास्ट में क्वालिफाई करता है उसे सर्विस दी जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स वाले आईएएस बनते हैं, फिर आईपीएस, अपने प्रेफरेंसेस के भी चॉइसेस उसमें होते हैं। जैसे सबसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं, अब उनको आईएएस बनने का मन नहीं, उन्होंने अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में आईपीएस रखा है, तो भाई आईपीएस बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। और जो आपका साथ ही साथ कैटेगरी है उससे भी होता है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, किस तरह से आपको जो है सर्विस एलोकेट किया जाता है, ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपका कैटेगरी, आपका मार्क्स, आपका प्रेफरेंस सबको देख कर, कैलकुलेट करके आपको एक सर्विस दिया जाता है कि आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाएंगे, इंडियन पुलिस सर्विस में, कि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएंगे। तो ये फाइनल सिलेक्शन में देखिए कितने मार्क्स लाते हैं लोग, ठीक है। 2015 में 877 नंबर जनरल का कट ऑफ गया था, 2019 में 961 नंबर कट ऑफ गया है, मतलब 2025 नंबर में से जिन्होंने 961 मार्क्स ला दिए एग्जामिनेशंस में, उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में हो गया, उन्हें कोई ना कोई सर्विस एलोकेट कर दी गई। तो काफी लो स्कोरिंग होता है, आप देख सकते हैं 50% से भी काफी कम मार्क्स लोग स्कोर करते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशंस दुनिया में एक सबसे टफ एग्जामिनेशंस माना जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कैटेगरी वाइज आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में कितने मार्क्स लाने होते हैं, ये दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न पता चला होगा, एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होता है आपको पता चला होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया जीत बैच के बारे में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करना ना भूलें, बहुत मेहनत से वीडियोस आप सबके लिए बनाता हूँ। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।